आरटीओकडून भरमसाठ दंड आकारणी करण्यात येत असल्याच्या विरोधात सोमवारी शेअरिंग रिक्षा चालकांनी एक दिवशीय संप केला. अचानकपणे हा संप केल्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर याचा परिणाम जाणवला. प्रवाशांना योग्य ठिकाणी जाण्यासाठी रिक्षाच उपलब्ध नसल्याने तासन तास उभे राहावे लागले. आरटीओने ही कारवाई बंद न केल्यास उग्र आंदोलनाचा इशाराही यावेळी रिक्षा चालकांनी दिला आहे. सोमवारी सकाळी 10 वाजल्यापासून ग्लोब थिएटर शेजारील खुल्या मैदानात रिक्षा लावून बंद पुकारण्यात आला. सर, अभी हमारा ऑटो स्ट्राइक होने का रीज़न यह है आज कि हमारे ऑटो रिक्शा वालों को बहुत तकलीफ हो रही है. सिटी के अंदर अनलिमिटेड परमिट छोड़ा गया है और अनलिमिटेड परमिट छोड़ने की वजह से गाड़ी बढ़ गया है. गाड़ी किधर लगा के हमारे को हमारी रोजी कमाना है, हमारे को खुद में समझ में नहीं आ रहा है. अगर साइड में लगाएंगे तो किधर भी स्टैंड पर लगाएंगे तो 2 घंटा रुकने के बाद में हमारे को एक कस्टमर मिलता है और वो कस्टमर से हम क्या घर चलाएंगे, क्या करेंगे, हमारे को खुद में समझ में आ रहा है. तो हम ये रीज़न निकाल के 10-10 रुपये लेके सीट सर्विस करके पब्लिक को अच्छी सर्विस दे के अच्छा हम गाड़ी चला लेते जा रहे हैं. तो इसके अंदर हमारे को एक तो इंश्योरेंस का बहुत बड़ा मसला है कि हमारे को इंश्योरेंस भी हम सामना नहीं कर सक रहे क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना भी बड़ी बात मुश्किल हो गया बैठा हमारे को और गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे थोड़े, तो ये इंश्योरेंस का बहुत बड़ा तकलीफ आ रहा है हमारे को. और दूसरी बात जो है, हम ये जो आरटीओ हमारे को फाइन डाल रहा है वो तो सामना नहीं कर सक रहे हम, और आरटीओ 4,000-5,000 फाइन भर रहे तो हमारे को करना क्या समझ में ना आ रहा है. बहुत बड़ी मुसीबत उठाना पड़ रहा है सिटी के अंदर हमारे को. हम कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि हम रोजी हम 10 रुपये के लिए कमाने के लिए इतना कर रहे हैं तो हमारे पर इतना दबाव डाल रहा है. क्यों पूछ रहे हम, हमारे को क्या इसमें हक मिल रहा है, क्या हम किसका चोरी कर रहा है, किसने लफड़ा कर रहा है, किसको हम पैसेंजर को कस्टमर को तकलीफ दे रहा है, किसी से भी कुछ भी रीज़न नहीं है. सभी लोग हमारे से खुश है, हम सर्विस अच्छी दे रहे हैं और सब देने के बावजूद भी हमारे को इतना बड़ा पनिशमेंट मिल रहा है तो ये बड़ा 4,000-5,000 का फाइन आ रहा है तो ये किस लिए, हमारे को इसका इंसाफ चाहिए. बस जो सीट सर्विस कर रहे हैं हम तो लीगली कर रहे हैं, इलीगल तो कुछ नहीं कर रहे. हम लोग सीट सर्विस कर रहे हैं, हम लोग पब्लिक का सेवा कर रहे वही कर रहे. कस्टमर के लिए हम लोग जो हेल्प करना है हम लोग कर रहे. हम क्या अत्याचार नहीं कर रहे किसी के ऊपर. हमारे को इसके लिए आरटीओ का ऑब्जेक्शन नहीं चाहिए. हम लोग को इतना 7,000-8,000 रुपये फाइन डालेंगे तो हम लोग किधर करने वाले. 16 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ ऑटो और बस का चाहिए है, चलना है. इधर अभी टेम्पो भी चलता है, मिनी डोर चलता है, वो अनलिमिटेड सीट भरते हैं. और हम जब 5 सीट भरे तो आरटीओ हमको प्रॉब्लम करके 6,000-7,000 रुपये फाइन भर रहा है. इसके बारे में सर हमको इंसाफ चाहिए. ऑटो बंद करके इधर इतने दिन से आ गए तो पूरे पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा है और गैस पंप का भी 2 ही पंप हो गए है, उसके बारे में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. उसके बारे में भी कुछ भी हमको इंसाफ चाहिए. या संदर्भात माजी मंत्री व आमदार सतीश जारकीहोळी यांचीही भेट घेऊन त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली. रिक्षा बंद असल्याने प्रवाशांचे मात्र हाल झाले. ज्या ठिकाणी बस पोहोचू शकत नाही त्या ठिकाणी रिक्षा जात असल्याने प्रवाशांना रिक्षावर अवलंबून राहावे लागत होते. त्यामुळे शाळकरी विद्यार्थी रुग्ण वयस्क नागरिकांचे हाल झाले. बस क्या है, रुकते रुकते बस स्टॉप को ऐसा लेके जाती है. रिक्शा क्या नहीं, हमने अर्जेंट है बोलते फास्ट लेके आके छोड़ते हैं और काम भी ऐसा हाथ करे तो रुकते हैं और ऑटो वाले. और क्या प्रॉब्लम नहीं है, और बराबर सीट बस का ऐसा इंतज़ार करना नहीं पड़ता. ऐसा आने के साथ वो बिठाते हैं हमने और लेके आते हैं, काम बोलते हैं वहाँ छोड़ते हैं. क्या भी प्रॉब्लम नहीं रिक्शे का. हमारे को तो काम को जाने लेट होता है, टाइम को बस नहीं मिलता. हमारे को वक्त को रिक्शा मिलती है और रिक्शा वाला काम है तो 10 रुपये लेता है. सिर्फ बस स्टैंड गए तो 15 रुपये लेता है. हमारा रिक्शा से बहुत यह है अच्छा है, थोड़ा बहुत जरा जल्दी जाने के रहा तो 10 रुपये एक्स्ट्रा लेको. हमारे को वक्त को छोड़ देता है. बेळगाव शहरात 500 हून अधिक शेअरिंग रिक्षा चालक आहेत. 3 अधिक 1 असा परवाना या रिक्षा चालकांना देण्यात आला आहे. यात त्यांनी बदल करून रिक्षांच्या मागील बाजूसही प्रवाशांना बसण्यासाठी व्यवस्था केली आहे. याच्याच विरोधात आरटीओने मागील 15 दिवसात मोहीम उघडली असून भरमसाठ दंड आकारला जात आहे. 4,000-5,000 इतका दंड एकावेळी आकारला जात असल्याने हा दंड भरायचा कुठून असा प्रश्न या रिक्षा चालकांसमोर आहे. सणासुदीच्या शुभ मुहूर्तावर वाहन खरेदी धमाका. लोकमान्य वाहन कर्ज योजना दिनांक 1 सप्टेंबर 2018 ते दिनांक 15 नोव्हेंबर 2018. सुलभ अटीवर दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या खरेदीसाठी 12% व्याज दरात आकर्षक कर्ज सुविधा, 90% कर्ज पुरवठा, विमा व रजिस्ट्रेशन सहित. लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड. टोल फ्री नंबर 1800-2124-050. प्रधान कार्यालय 195/A नॅस्को रॉयल, गुरुवार पेठ, टिळकवाडी, बेळगाव.
सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगाम न्यूज चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.